होता है कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत लोग होते हैं जो उनको पीछे खींचते हैं, हाँ, तो वो आगे बढ़ रही होंगी तो उनका पैर तो खींचे होता है। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अच्छा, आपका पैर कौन खींचता है? है गांव के लोग कुछ हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि ऐसा कर रही है, डांस कर रही है, नचनिया बन रही है, और कुछ सबसे अच्छा कला होता है डांस में। अगर डांस आप अच्छे से कर लीजिएगा ना, कोई भी गाना पे अच्छे से करता हो, एक ना एक दिन आप वायरल जरूर हो जाइएगा। अब वो डांस कर रही थी, उनको ये तो नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएंगी, लेकिन वो तो कैसे नमस्कार, आप गोपालगंज फोकस देख रहे हैं और हमारे साथ इंस्टाग्राम पे वायरल गर्ल निशु कुशवाहा है, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और काफी चर्चित भी है, क्योंकि इनका मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं और एक गरीब परिवार से की बेटी है। और तो हमारे साथ निशु कुशवाहा है। सबसे पहले निशु कुशवाहा, आपका स्वागत है। थैंक यू, और जितने भी चैनल के माध्यम से लग रहे सबको नमस्ते। अच्छा निशु, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो हम मतलब डांस क्लास करते हैं और पढ़ाई भी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। दोनों पढ़ाई और डांस दोनों साथ में। हाँ। अच्छा, आपका जो क्या बनना चाहती हैं? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। अच्छा, एक्ट्रेस बनने के लिए अभी क्या कर रही हैं? एक्ट्रेस बनने के सबसे अच्छा कला होता है डांस। हाँ। जो अभी हम सीख रहे हैं उसे डांस अच्छे से, अच्छे मतलब अच्छा से हम डांस कर सकें। अच्छा, जैसे कुछ फिल्में आप देखते होंगी, हीरोइन डायलॉग बोलती हैं, तो आप लोग डायलॉग वायलॉग बोलना नहीं सीखती हैं? अभी तो नहीं सीख रहे हैं डायलॉग बोलना, लेकिन सबसे जरूरी डांस ही होता है उसमें कोई भी मूवी में काम के लिए। तो डांस में तो एल्बम में काम मिल जाएगा, फिल्म के लिए आपको बेहतर प्रदर्शन और डायलॉग अच्छे से बोल पाए वैसा आना चाहिए पूरा। हाँ, वो भी होता है, लेकिन वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द हम कर लें। अच्छा निशु, आपका जो पहला गीत था, जो पहली बार आप वायरल हुई थी, किस गाने से हुई थी? होली का गाना था वो। होली का कौन सा गाना? इतना तो नहीं याद आ रहा है सर, खेसारी लाल का ही था। खेसारी लाल। हाँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में बहुत सारी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हैं, कुछ दिन उनका नाम चलता है फिर नाम डूब जाता है, क्या कहिएगा उनके लिए? उनके लिए यही कहूँगी आप लोग मेहनत करते रहिए, मतलब ऐसे मेहनत करते रहेगा तो एक ना एक दिन आगे जरूर बढ़िएगा, अगर बीच में आप रुक जाएगा तो फिर कोई सफलता नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, एक लड़की अभी खेसारी लाल के गाने पे वायरल हुई है, प्रिया सुहानी नाम था, आप जानते होंगे खेसारी लाल यादव उसको बोले हैं काम देने के लिए। अभी टुनटुन के जैसे टुनटुन है उनके उनके एल्बम में काम कर रही हैं, पता है आपको? हाँ। प्रिया सुहानी से बात हुई आपकी? नहीं। उनसे मिलने की कोशिश की आप? नहीं, मिलने की तो कोशिश नहीं की है, बस उनका इंटरव्यू देखे थे हम। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा गाना था? खेसारी लाल का ही था कोई। हाँ, यही। तो उनका डांस स्टेप देखें कितना अच्छा डांस किया। हाँ, रातों रात वायरल हो गई। हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं कि आजकल सबसे अच्छा कला होता है डांस में, अगर डांस आप अच्छे से कर लीजिएगा ना, कोई भी गाना पे अच्छे से करता हो, एक ना एक दिन आप वायरल जरूर हो जाएगा। अब वो डांस कर रही थी, उनको ये तो नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएंगी, लेकिन हो तो गई ना वो वायरल। बहुत दिनों से वो डांस करती थी, लोग उनके प्रतिभा को आप रो भी रही थी, बता भी रही थी अपने बारे में कि हम कहीं डांस करते थे तो लोग गलत नजरिए से देखते थे, चाहे कोई मतलब स्टेज पर भी नहीं चढ़ने देता था उनको डांस करने के लिए। ऐसा होता है कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत लोग होते हैं जो उनको पीछे खींचते हैं, हाँ, तो वो आगे बढ़ रही होंगी तो उनका पैर तो खींचे जाएगा, जैसे मेरा भी होता है। बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। अच्छा, आपका पैर कौन खींचता है? है गांव के लोग कुछ हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि ऐसा कर रही है, डांस कर रही है, नचनिया बन रही है, और कुछ लोग हैं होते हैं जो बोलते हैं कि ना तुम ऐसा करो, एक दिन तुम सफलता पाओगी। मतलब डांस करते हैं तो मतलब उनको क्यों बुरा लगता है? आपको एक्ट्रेस बनना है तो डांस तो उसके लिए करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मतलब डीएमएसपी भी बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करना है, तो आपको एक्ट्रेस बनने का सपना है तो आप डांस करिए तभी तो एक्ट्रेस बनेगा। हाँ, तो हम लोग के बात पे ध्यान नहीं देते, अगर मेरी फैमिली कुछ बोलती तो हम थोड़ा बात ध्यान भी देते हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग उन सब क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। दो दिन तीन दिन पहले आपका बर्थडे था, दर्शकों को क्या, दर्शक आपके विश किए थे, फॉलोअर आपके जो हैं? हाँ, बहुत लोग हमें विश भी किए थे और स्टोरी मेंशन भी किए थे। हाँ। मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करिए। अच्छा, आपका आप जब इंस्टाग्राम खोलती होंगी तो आपका मैसेज इनबॉक्स खुलता होगा तो उसमें हाय हेलो कितना मैसेज आता है दिन भर? बहुत आता है। फिर भी मतलब कितना मजा है, बहुत ज्यादा आता है, हम मतलब कितने लोग मतलब बहुत थोड़ा बहुत रिप्लाई करते हैं और जिसका देखते हैं उनका रिप्लाई कर देते हैं, जिनका नहीं देखते हैं उनके लिए सॉरी। मतलब दिन भर में 2-3 हज़ार मैसेज आ जाते हैं आपके पास?
हाँ रिक्वेस्ट में सब वो आ जाता है। कोई गलत सलत मैसेज? नहीं गलत नहीं आता है, जितना भी बोलते हैं हमको आपसे मिलना है या हमको आपके साथ रील बनाना है। अच्छा, जो इतना सारा मैसेज आपको भेजे हैं निशु कुशवाहा जो आपका आईडी है, उनको एक ही बार में रिप्लाई दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, एक ही बार में हाय हेलो का सबका एक ही साथ। सबको मतलब यही बोलेंगे सबको नमस्ते, और जिनको भी हमसे मिलना है और मिलना होगा तो आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। मिलने के लिए कहाँ आना होगा? मेरे घर ही आ जाओ। तो इनका घर गोपालगंज जिले में है और आप लोग इनसे सासा मुसा में आके मिल सकते हैं निशु से। और इतना हाय हेलो मैसेज का ये लड़की जवाब इसलिए नहीं दे पाती कि बहुत सारे काम भी होते हैं। एक लड़की को घर पे भी काम करना होता है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी है, उसके साथ डांस की कला भी है, इसीलिए आप लोग का रिप्लाई वो नहीं दे पाती है, यही मेन वजह है। तो इससे इसके लिए जो रिप्लाई नहीं दे उनसे माफ़ी मांगिएगा। हाँ उनके लिए सॉरी। और जो भी आपको दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं भर भर के उनके लिए क्या कहिएगा? आपका रील पहले रीच डाउन होता फिर अभी रील स्टार्ट शुरू हो गया, 10,000-5,000 चल रहा है। हाँ रीच अच्छा चल रहा है इस टाइम, उनके लिए ही बोलूँगी कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप लोग की सपोर्ट से आज यहाँ तक है और आप लोग सपोर्ट बनाए रखेगा तो आज मतलब उससे भी आगे जाएंगे हम। भोजपुरी में बहुत सारे एक्टर हैं, नीलकमल सिंह हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं, आपको अगर काम मिलता है तो किनके साथ आप काम करना चाहिए? जो जिनके साथ काम मिलेगा उनके साथ हम करेंगे। सबको सबको सब सब मुझे अच्छे लगते हैं, सबके साथ मैं काम करूंगी। अच्छा अभी हाल ही में आप अभी हाल ही में जैसे कि जो भी एक्ट्रेस हैं नया नया एक्ट्रेस आ रही हैं फिर वो फिल्म से बाहर हो जा रही है, जैसे काजल रघवानी थी भोजपुरी फिल्म में आई, क्या कारण रहा होगा कि उनको भोजपुरी इंडस्ट्री से हटा दिया गया? फिर तो आ ही रही है वो भोजपुरी फिल्म में, कितना न्यू न्यू उनका मूवी आया है। नहीं अभी तो उनको मतलब हटा दिया गया था, बीच में आप देखी थी फिर हट गई थी फिर आई हैं। कुछ सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है आपकी लाइफ में? मम्मी करती हैं। इनके अलावा? इनके अलावा मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मम्मी के अलावा। मम्मी तो वो करती हैं, फैमिली भी करती हैं और उसके बाद आप लोग हैं। चलिए इनकी मम्मी से थोड़ा बात कर लिया जाए। और देखिए काफी परेशान रहती हैं अपनी बेटी को लेकर और वो इनको बेटा ही समझती हैं क्या? अच्छा जी हाँ ये लोग तो बेटा समझ ले हम। अच्छा हाँ बराबर ते लोग का माने यही लोग के चलते तो माने ना होला जे हम बहुत परेशान रही ले जे माने जो ने लोग का सपना बतन पूरा हो जा हमेशा पीछे पीछे हमेशा लोग हाय लोग हमेशा पीछे ही रह जे हम क्या चाहे नहीं ए करो हो करो हो करो हेंगा करो होंगा करो माने सब हमरे थी सही। हां रार परवरिश बा तबे ना छोट कपड़ा पहन के नहीं ना चल ना आजकल देखा रील के सब चल रे वाला है कि नहीं? हां तो आपको कैसा लगता है कि पेड़ पे चढ़ के हमको आज तक किया ही नहीं है, हमको जो भी करना है हम अच्छे से वीडियो बनाते हैं। जे भी बिहार के दर्शक देखो तटे लोन भरा गल किनारो पे कुछ भरा गल कुछ बाकी बा इनके चलते लोन ले लेने। हां इनके चलते ले लेते नहीं है कुछ भरा गल कुछ बाकी बा वो हो जाए सब दुख दूर हो जाए। हां सब दुख दूर हो जाए। अच्छा जे भी बिहार के दर्शक देखो त निशु के का कहे? हम लोग तो उनसे यह कहें जे जितना प्यार ए बरा देले बानी लो गरीब के बेटी के प्यार दे लो। हाँ गरीब के बेटी के प्यार देले बानी लो बहुत देले बानी लो एहू से ज्यादा और दिलोगी जे हमर बेटी आगे बरस। चलिए हमारे साथ निशु कुशवाहा थी और उनकी मम्मी हैं जो काफी इनको सपोर्ट करती हैं और आजकल के जो गार्जियन है बहुत कम सपोर्ट करते हैं बिहार में आप देखे होंगे तो नाचने से चाहे डांस करने से चाहे बाहर निकलने से लोग मना करते हैं लेकिन इनकी मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है और निशु कुशवाहा के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। नमस्कार।